आज घर के अंदर की भी ले गए, जो सीएम के घर के अंदर का प्राइवेट एरिया था आज उसको भी ले गए जबरदस्ती, आज घर के अंदर की भी ले गए, जो ड्राइंग रूम के अंदर जो मुख्यमंत्री का अंदर का घर है, बेडरूम वगैरह जो है वहां के ले गए, डाइनिंग रूम बेडरूम वहां वाला जो है घर के अंदर के भी सीसीटीवी आज वो ले गए जबरदस्ती। हालांकि वहां पे कोई लेना देना नहीं था बट वो भी ले गए, खैर ले जाइए वो भी, मगर बाहर के सीसीटीवी कल ही वो डीवीआर से ले जा। कल से मैं देख रहा हूं एक और खबर, लगातार झूठ दिल्ली पुलिस के माध्यम से लिया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो गायब है। मुख्यमंत्री आवास की सीसीटीवी की फुटेज डीवीआर समेत पुलिस कल ही ले जा चुकी है, डीवीआर समेत ले जा चुकी है। मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी पे जो बाहर जो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, डीवीआर खुद ले जा चुके हैं। और खबरें प्लांट की जा रही है कि डीवीआर नहीं मिली, फुटेज नहीं मिली, फुटेज गायब कर दी गई। लगातार झूठ दिल्ली पुलिस क्यों फैला रही है, सवाल उठता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी के विषय में, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विषय में जब चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कई बार कही, जांच एजेंसी का काम यह नहीं है कि आप जो है किसी भी आरोपी के खिलाफ अपना मुकदमा बनाए, आपका काम है सच निकालना, सच निकाल के कोर्ट के सामने रखना, यह नहीं है कि आप आरोपी के खिलाफ झूठी झूठी खबरें प्लांट की जाए। मैं समझता हूं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार इस केस से जुड़ी हुई, दूसरी बात मेरा भी करियर है, आप लोगों का भी पत्रकारिता का लंबा चौड़ा करियर होगा, देश का कानून है 354 मोलेस्टेशन के मामले में एफआईआर दी नहीं जाती किसी को, एफआईआर जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। यहां एफआईआर दर्ज हुई नहीं, सारे देश के मीडिया के चैनलों को व्हाट्सएप के ऊपर दिल्ली पुलिस एफआईआर जो है शेयर कर रही है, आप देख लो दुनिया भर के तो ट्विटर हैंडलों पर डली हुई है वो एफआईआर, कहां से आ गई? आरोपी को तो कल रात तक भी नहीं दी गई थी एफआईआर की कॉपी, आम आदमी पार्टी को तो नहीं दी गई। कौन कौन कर रहा है प्लांट? दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी। इनका पूरा आचरण यह दिखाता है कि यह पूरी की पूरी जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनाव से 4 दिन पहले किसी तरीके से बदनाम कर दिया जाए, चाहे झूठ बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, सिर्फ बदनाम किया जाए, उसकी कोशिश जो है दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। और मैंने जो प्रश्न उठाए दिल्ली पुलिस जवाब दे दे उनका, 354 की एफआईआर कैसे बाहर आ गई दिल्ली पुलिस जवाब दे दे, 100 नंबर के अंदर डीडी एंट्री कैसे बाहर आ गई एलजी साहब जवाब दे दे, कभी आई हो? झूठा बात क्यों कही गई कि डीवीआर की जो है सीसीटीवी गायब है, सीसीटीवी के साथ टेम्परिंग कर दी गई, सीसीटीवी तो ले जा चुकी है डीवीआर, सिर्फ और सिर्फ झूठ। और यह कोशिश जैसे ईडी करती थी, 4 बातें सामने आए, 3 बातें आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो, 4थी बात उनके पक्ष में ना हो, 3 बातों को छुपा लिया जाए, 4थी बात को रख दिया जाए। तो ये बात करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया था, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मनोज तिवारी ने सीसीटीवी कैमरा इन द सीएम्स ड्राइंग रूम वेयर द इवेंट एलिजिबली हैपेंड। नो, इन द सीसी, इन द ड्राइंग रूम आई हैव नेवर सीन अ सीसीटीवी, यूजुअली नोबडी इज ड्राइंग रूम्स सीसीटीवीज आर इंस्टॉल्ड, आई डोंट थिंक एनीबडी, सीसीटीवीज आर जनरली इंस्टॉल्ड एट द एंट्रेंस गेट्स, at the boundary walls and at the entrance of CM house also CCTV is there, and those DVRs are under the control of PWD and they have been taken away by Delhi police yesterday itself. Sir, aaj kai sare seizures ki baat ho rahi hai ki digital evidences le jaaye gaye hain CM awas se, printers aur insurance. Bhai tabhi to khabar chalegi na, ab 5 din chunav tak, 25 tarikh ka chunav hai, 25 तारीख तक कैसे बिताएगी दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी? कुछ तो चाहिए, कभी जो है वो सीजर की बात करेंगे, कहेंगे एविडेंस मिल गया, किस दिन कहेंगे बहुत बड़ा एविडेंस मिल गया, गवाह मिल गया, ये हो गया वो गया, ये सब झूठी झूठी फैक्ट्री, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है ना दिल्ली पुलिस की, या तो इनकी कोई जवाबदेही हो बताए दिल्ली पुलिस, डीडी एंट्री कैसे बाहर आई,
354 की FIR कैसे बाहर आ गई, झूठी खबरें कैसे प्लांट हो रही है, कोई जवाब दे ही नहीं है। आप झूठ करते रहो सूत्रों के नाम से झूठ चलवाते रहो। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये कहा है कि तो उस समय की जो घटना है उसकी एक तो उसकी सीसीटीवी नहीं मिली, जो मिली भी उनको वो ब्लैंक है, डीवीआर नहीं दिया, ये तीन चीज जो है सीसीटीवी। ये देखिए पहली बात तो जब घटना हुई वो घटना ड्रॉइंग रूम की बताई जा रही है, और एक अब आप देखिए झूठ बोलने का तरीका ही है, जिस कमरे के अंदर सीसीटीवी लगा ही नहीं हुआ उसके बारे में कह दीजिए साहब हमें यहाँ की सीसीटीवी नहीं मिली, है ही नहीं तो मिलेगी कैसे, वहां जब कैमरा ही नहीं है तो सीसीटीवी कैसे मिल जाएगी। तो ये तो झूठ को परोसने का तरीका है, जहां एंट्री गेट्स है वहां पे जो सीसीटीवी है उसकी डीवीआर ले गए हैं, वो दो डीवीआर थी दोनों ले गए हैं, कल ही ले गए हैं, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। सौरभ जी बीजेपी कह रही है आज घर के अंदर की भी ले गए, जो सीएम के घर के अंदर का प्राइवेट एरिया था आज उसको भी ले गए जबरदस्ती, आज घर के अंदर की भी ले गए, जो ड्राइंग रूम के अंदर जो मुख्यमंत्री का अंदर का घर है बेडरूम वगैरह जो है वहां के ले गए, डाइनिंग रूम बेडरूम वहां वाला जो है घर के अंदर के भी सीसीटीवी आज वो ले गए जबरदस्ती, हालांकि वहां पे कोई लेना देना नहीं था बट वो भी ले गए, खैर ले जाइए वो भी, मगर बाहर के सीसीटीवी कल ही वो डीवीआर से ले जा चुके थे। इसके अलावा एक ट्वीट आज स्वाति मालीवाल ने किया है, ये कहा है कि निर्भया के लिए प्रोटेस्ट जो पार्टी करती थी आज वो लोग सड़कों पे अक्यूज को बचाने के लिए, और एडिटेड वीडियो आप लोग पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं और उसके आगे का जो हिस्सा उसको काट के छाट के आप लोग पेश कर रहे हैं। देखिए जितना भी सीसीटीवी है वो तो डीवीआर समेत ही लेगी ना पुलिस, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो स्वाति मालीवाल जी के पक्ष में होगा वो तो पुलिस अब तक दे चुकी होती, आपको दिखा चुकी होती, वो तो प्लांट करने में आगे भेज दिया होता उन्होंने अब तक। मई को जब पहली बार स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के विषय में आप सब लोगों को मीडिया के लोगों को पता चला तो कैसे पता चला, इस पूरे के पूरे मामले को हम शुरू से देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी है जो इसके अंदर बेहद इंटरेस्टेड पार्टी है। कोई महिला अपने विषय में कॉल करती है 100 नंबर पे 112 नंबर पे तो हजारों कॉल आती है, मगर स्वाति मालीवाल जैसे ही कॉल करती हैं ये खबर मीडिया को दी जाती है। कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस देती है। स्वाति मालीवाल अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराती, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। आज तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि 100 नंबर पे 112 नंबर पे हेडक्वार्टर में जो कॉल होती है उसमें जो डीडी एंट्री होती है इतने बज के इतने मिनट पे फोन आया, इतने बज के इतने मिनट पे फोन आया, उस डीडी एंट्री की फोटो तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस रिलीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इंटरेस्टेड पार्टी है, उनका राजनीतिक स्वार्थ से दो राय से, वरना मैंने तो आज तक नहीं देखी कि 100 नंबर पे कॉल करने वाली डीडी एंट्री की फोटो सारे भारत के साथ शेयर की जाए, वो भी महिला की शिकायत से संबंधित। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद से बार बार भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस द्वारा झूठी खबरें प्लांट की जा रही हैं। विभव कुमार जी सीएम के साथ लखनऊ में थे, सब जानते हैं, बाकायदा फ्लाइट से अपने नाम से टिकट करा के गए हैं, वहां से आगे गए हैं, सब जानते हैं, मगर दिल्ली पुलिस ने खबर प्लांट की विभव कुमार फरार है। विभव कुमार के लिए 10 टीमें बनाई गई, 10 टीमें जांच में जुटी, ये सब क्या है? क्योंकि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के अंदर रोजमर्रा में शामिल है। उसके बाद क्या होता है, विभव कुमार खुद ईमेल लिख रहे हैं दिल्ली पुलिस को कि मैंने एक कंप्लेंट दी है और मैं इस जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूं। पुलिस मुख्यमंत्री के घर पर आते हैं, विभव कुमार उनसे मिलते हैं, खुद मीटिंग से निकल के आते हैं, उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ
मैं आपके साथ जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली पुलिस कहती कि आइए, फिर हम आपने जो कंप्लेंट दी है वो और जो स्वाति मालीवाल ने जो कंप्लेंट दी है दोनों के बारे में बात करते हैं, आप थाने चलिए। वो उनके साथ थाने जाते हैं, 5 मिनट बाद खबर दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया में दी जाती है, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को मुख्यमंत्री के घर से गिरफ्तार किया। क्यों दिल्ली पुलिस इतनी इतनी बेचैन है?